चलिए बात करते हैं मैथ्स की। बहुत लोगों को मैथ्स में जो प्रॉब्लम्स होती है, क्यों होती है? क्योंकि अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन से चैप्टर्स ऐसे उनको अच्छे से कर लेनी चाहिए। इसमें भी चार डिग्री है, चार डिग्री है। ऐसे तो आप तीन ही कहेंगे कि LR है, मैथमेटिक्स है और स्टेट्स। मेरे हिसाब से चार। पहला TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एनईटी तीन ही टॉपिक्स है। अगर आप इससे अच्छे से कर लेते हैं ना, तो 14 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। अप टू 15 मार्क्स ये आता है 15 मार्क्स का, जिसमें आप 14 आप लिख कर रख लीजिए कि आएगा ही आएगा 14 मार्क्स का। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लें और कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लें। देखिए, अब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो करने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में टाइम ही लगता है आपका। कितना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा? 1 मिनट। उस टाइम सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर आपका इसका प्रैक्टिस रहेगा। 14 मार्क्स का ये आता है आपका LR। LR आता है आपका 20 मार्क्स का। लेट अस सपोज कि आपका 20 मार्क्स का नहीं, उसमें से 12 मार्क्स का ही आप बना पाते हैं। तो 12 और 14 नहीं, उसको भी 18 मानिए, मतलब 20। अब आइए स्टैट्स में। स्टैटिक्स आपका 40 मार्क्स का आता है। अब आप बोलेंगे कि उसमें तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे तो फॉर्मूला होगा कि दिस इक्वल टू NP ऐसे ऐसे करके। तो फॉर्मूले पर भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क का तो हर बार आता है उससे कि N का वैल्यू दे दिया, फिर P फाइंड करने के लिए ऐसा कुछ जो रिलेशन है। और ये आता है 40 मार्क्स का। पहला जो TVM वो आता है 15 मार्क्स का। तो उसमें से आप मान लीजिए कि आपने सिर्फ 8 ही सही सही बनाया, ठीक है, 8 नंबर 8 ही अटेम्प्ट कर पाए। LR उसमें मान लीजिए कि आपका 20 मार्क्स का आता है, उसमें मिनिमम आप 12 अटेम्प्ट की, 20 हो गया। अब इधर का जो 40 है, इसमें से क्या है कि इसमें 40 मिनट नहीं लगेगा। अगर आप 20 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर लेते हैं तो आपका 10 मिनट ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगभग 11 से 12 नंबर के जो है ना, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, मतलब MCQ वाले, जिसको आप देखते ही मार देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मार देंगे आप। और कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करना है? बस थ्योरी पढ़ लीजिए स्टेट्स का। तो अगर आप इन कॉम्बिनेशन से चलें तो एकदम मिनिमम लेवल की कॉम्बिनेशन में ही 40 हो जा रहा है। अभी मैथ्स की मैंने बात नहीं किया, जिसमें इक्वेशन है जो आप पढ़ चुके हैं, जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका वीक होगा। तो अगर आप देखें तो एक लास्ट लेवल पर भी आप 40+ आराम से ला ले रहे हैं। देखिए फिर से, आपको टाइम वैल्यू एंड मनी जो चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो आता है 14 मार्क्स का, 20 मार्क्स का LR और स्टैट्स। तो इनमें कॉमन कौन सी ऐसी चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं? देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो तो उसमें कॉमन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो ईजी है, इतना इतना हार्ड भी नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, इतना हार्ड नहीं है। और LR तो लॉजिकल रीजनिंग हर कोई जानता है कि मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसमें भी हो जाएगा। स्टेट्स जो 40 मार्क्स का आता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप 40 आउट ऑफ 40 बनाइए, फॉर ए नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आप जो है वो 40 में 40 बनाइए। अगर आप 20 भी बनाते हैं, जो कि मेरा मानना है कि आप ज़्यादा ही बनाएंगे, लेकिन 20, और इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेगा। कैसे? जो 12-13 मार्क्स के जो MCQ आते हैं, जो डायरेक्टली मतलब थ्योरी से रहते हैं, तो उसको तो आप बहुत आराम से बना लेंगे, 10 सेकेंड में एक बन जाएगा। और बाकी जो कैलकुलेशन वाले आएंगे, वो 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चन लेगा, 1 ही मिनट मेरे हिसाब से स्टेट्स में, और बन जाएगा। सिर्फ इन तीनों का कैलकुलेशन आप देखें तो आप 40+ ला रहे हैं। किसका? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, LR और स्टैट्स। इसमें मिनिमम पॉइंट पे भी आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि आप 40+ आपका जो मार्क्स यहाँ से आ जा रहा है। अब बात आई मैथ्स की। मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, APGP आप पढ़ चुके हैं, सेक्वेंट एंड सीरीज पढ़ चुके हैं आप, और परमुटेशन कम्बिनेशन तो हार्ड उतना है नहीं, मेहनत पे वो भी है, और इक्वेशन, ये सबको अगर रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सबको अगर आप कंबाइन करें तो देखिए, मैथमेटिक्स से कम 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सिर्फ आप चैप्टर्स देखकर, उसके एग्जांपल्स देखकर जाएंगे ना, तो उससे आ जाता है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट से। मैथमेटिक्स में 10 मार्क्स तक, 8 नहीं 10 मार्क्स तक मैं कहूँगा कि जो आपका सिलेबस से जो मटेरियल दिया गया है उससे आ जाता है मैथमेटिक्स पोर्शन, उसको आप देख लेंगे। और हाँ, अगर आप कुछ उसको एक्सरसाइज पूरा सोल्व कर लिए, एग्जाम्पल देख लिए, तो फिर तो कहना ही नहीं, फिर तो 60+ आने के चांसेस है। तो पहले जो तीन कैटेगरी के हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैट्स एंड LR, उस पर आप मजबूती बनाइए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपका जो LR में तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी पूरा, स्टैट्स में मैं नहीं कहूँगा कि पूरा पढ़िए, 1-2 चैप्टर बीच का, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो फॉर्मूला है ना, जो रिलेशन बताता है दो चीज़ों के बीच में, तो उसको देख लीजिए, उसके बेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो आता है। और मैथ्स,
मैथ्स में अगर एक दो, ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत जरूर होगा जो हर एक चैप्टर से आप जानते होंगे, तो उतना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए अगर आप 50+ लाना चाहते हैं। आ सकता है, आसान है, इतना हार्ड नहीं है। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन अगर आपका एक बार पकड़ में हो गया तो आप पास हो जाएंगे। मतलब फिर से सुनिए, मैथमेटिक्स के जितने चैप्टर्स हैं उनको अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं कि उसको आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। देखिए, कैलकुलस को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी चैप्टर्स जो हैं मैथमेटिक्स के, उसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, जो उसमें फॉर्मूला दिया गया है उसको देख लीजिए, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अच्छे से करके जाइए, एलआर का प्रैक्टिस करके जाइए, स्टेट्स के जितने थ्योरी हैं वो देख लीजिए बढ़िया से, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी देख लीजिए, और आप आराम से काफ़ी मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाकर इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो फिर कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, आप आराम से पास हो जाएंगे और मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाएंगे।